का निरीक्षण किया और साथ ही लोगों की शिकायतों को भी सुना। इसके साथ ही एक दिन की थानेदार जुमी खान ने चेकिंग अभियान भी चलाया। बता दें कि मिशन शक्ति के तहत समाज में महिला सशक्तिकरण को लेकर अनोखी पहल शुरू की गई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सब चीज़ देखी और सब चीज़ जानी भी, और मुझे बहुत अच्छा फील भी हो रहा है। मुझे इससे थोड़ा अच्छा फील हुआ, जैसे कि मैं आगे बनना सोचूंगी, जैसे कि मैं कैसा, मतलब मैंने महसूस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अंदर फीलिंग आई कि नहीं, हमें भी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, कि मैं तो जरूर करूँ। तो मैंने ये मतलब बहुत अच्छा है, जैसे कि कई लड़कियाँ बहुत सी होती हैं कि वो सोचती हैं क्या करेंगे आगे या पुलिस नहीं बनेंगे, और उन्होंने इस तरह ये दिखाया कि बच्चा भी बन सकता है। मतलब बैठने से महसूस तो हुआ ना कि मतलब कितनी अच्छी फीलिंग है कि आप बनेंगे तो आपकी भी कितना अच्छा लगेगा पढ़कर। उत्तर प्रदेश की आगरा पुलिस लगातार महिलाओं को सशक्त बनाते हुए अब नई अनोखी पहल की शुरुआती है। आपको बता दें कि छात्राओं को थानेदार बनाया जा रहा है, वो भी एक दिन का। एक दिन के थानेदार वाली पहल में जुमी खान को थाना कोतवाली का थानेदार बनाया गया। जुमी खान ने थाने की निरीक्षण और तमाम प्रशासनिक प्रक्रिया को जाना और साथ में ही फरियादियों की शिकायत को सुना, जहां शिकायत की जांच के बाद कुछ मुकदमे की कार्रवाई भी जुमी खान की तरफ से की गई। ऐसे में आगरा पुलिस कमिश्नर रविंदर जे गौड़ लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण में मजबूत बनाने के लिए तमाम बड़े अभियान धरातल पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस वक्त